हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल और ये है पारुशी। सो बेटा, ये कौन सी जगह है यहाँ पे? ये करसोग। अच्छी लगती है आपको? ये करसोग है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मंडी शहर से अराउंड 120 किलोमीटर है। बहुत अच्छा गांव है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने। उससे पहले कुछ दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये अनार के पेड़। यहाँ बेटा अनार के पेड़ बहुत है ना, और वो देखो छोटे अनार भी उधर हैं। चलो आज चलते हैं, आराम से चलना। हाँ ठीक है, आराम से। यहाँ के रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए चलने के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, हमें फिर भी थोड़ी आदत है, हम तो आते जाते रहते हैं। और ये जो नीचे का नज़ारा है, ऑसम, ये वहाँ से शुरू होता है और आप देखेंगे उस सामने वहाँ तक। अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए यहाँ पे कि कौन कौन सी जगह हैं ट्रैवल करने के लिए। तो अभी हम रास्ते में कहीं पे लंच करेंगे, लंच के बाद आगे एक टेम्पल जाएंगे और कोई जगह मिलती है तो वहाँ उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा छोटा डॉन, इसका नाम है युवान। अभी बड़े सॉफ्टली बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम। टेंपल। कौन से टेम्पल? मंडी टेम्पल। वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चिंडी माता मंदिर, जो कि करसोग में है। करसोग से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और बिल्कुल साथ ही में रोड है, ज़्यादा दूर जो है चल के जाना नहीं पड़ेगा। अभी हैं हम माता जी के टेंपल में। चिंडी माता का मंदिर है, ये है करसोग में।
तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ के पंडित जी, तो अभी वो हमें सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा मंदिर है। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तो पंडित जी आप थोड़ा सा बताएंगे ये मंदिर कौन से माता का है और थोड़ा सा आइडिया थोड़ा देंगे हमें। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, दुर्गा माता चिंडी का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग 300-400 साल पुराना है। अच्छा जी। अभी तो दोबारा से रेनोवेट किया हुआ है। हाँ जी, 2010 और 2011 में। अच्छा अच्छा, तो हम दिखा देते हैं कि क्या क्या रेनोवेट हुआ है इधर से। ये सारा जो है ये, हाँ, ये लकड़ी का, ये सारा बाद में लगा है। ये बाद में लगा है, रेनोवेट किया हुआ है। अच्छा, लगभग 2010 और 14 के आसपास। अच्छा, 2010 से 14 के बीच बीच में। हाँ जी। अच्छा जी, ये सारा लकड़ी का, और ये जो पत्थर वगैरह हैं ये अभी लगे हैं पहले के थे? ये प्राचीन मंदिर, ये तो प्राचीन मंदिर ही है। अच्छा अच्छा, पहले से ही है और फिर दोबारा लगाई हुई है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा हम अंदर चले। बिल्कुल जी, अंदर आजकल तो मंदिर बंद ही है कोरोना की वजह से, तो इस तरह से बार बार से ही। ठीक है। तो ये सारे, ये जो माता है चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, ये सारे माता जी, हाँ, ये भी काश्तकारी की हुई है लकड़ी की। हाँ जी, हाँ। लेकिन जो असली मुहूर्त है वो तो अंदर ही है। हाँ, तो वो उसके अभी बंद है, तो उसके तो दर्शन सुबह ही होते हैं पूजा के समय में ही। अच्छा जी। तो बाकी तो सारा दिन बंद ही रहती है। हाँ। जब पुजारी पूजा करते हैं तो उसी टाइम दर्शन होते हैं। ठीक है जी। हाँ। बाकी बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो बाहर देख लेते हैं हम। आजकल तो पब्लिक के लिए तो बंद है बिल्कुल ही। हाँ, पब्लिक के लिए तो बंद ही है कोरोना की वजह से, नहीं अलाउ ही नहीं है, और सिर्फ पूजा के ही कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी पुजारी और सुबह का जो पूजा है वही कर रहे हैं, बाकी आम लोगों के लिए मंदिर बंद ही है। हाँ जी। तो ये मंदिर का, ये मेन मंदिर है ये मंदिर है, वो जो सामने है ये भंडार है। अच्छा, भंडार जिसको बोलते हैं, हाँ जी, माता का भंडार होता है, सामान वगैरह होता है, सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे रखा होता है। ठीक है, हम भी देख लेते हैं। ये भी सारा रेनोवेट हुआ है 2000? हाँ, ये भी दोबारा से रेनोवेट किया हुआ है, जब ये मंदिर बनाया हुआ है उसी के 1-2 साल बाद इसको भी रेनोवेट किया है, लेकिन इसका जो प्राचीन है वो लकड़ और पत्थर का ही है। अच्छा, पत्थर के अंदर हो गए लकड़ी, ये बाहर से लकड़ी, सारी शिल्पकारी हुई है, बड़ी अच्छी और काफी अच्छी रखी है ये। द्वार हो गया अंदर आने के लिए, मेन दरवाजा है अंदर आने के लिए। जी जी जी। बाकी माता का तालाब है। अच्छा, तो ये भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन ही है, उसी टाइम का है, लेकिन ये भी रेनोवेट किया हुआ है। अच्छा। ये भी मतलब शुरू से ही, तब से मंदिर तब से है ये? हाँ, तभी से ही है, और इसको भी रेनोवेट किया हुआ है। अच्छा। तो इसका ये है कि भी पूजा का जो पानी होता है स्नान का, तो इसी तालाब से लेते हैं। अच्छा, वो जो पूजा होती है हमारी सुबह, जो पूजा होती है तो यहीं से लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे तो कोई नहा नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तभी नहाने का तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर लोगों को जरूरत पड़े पानी के पीने के लिए तो लेके जाते हैं यहाँ से कि नहीं लेके जाते? नहीं, लोगों को तो नलके हैं, पर कभी जरूरत पड़े से पानी नहीं होता, पड़े तो भी फिर पुजारी लोग अगर बाहर निकाल देंगे पानी इसका, तो फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पानी तो काफी साफ है वैसे, ऊपर ही है थोड़ा बहुत जो शैवाल है, बाकी तो काफी साफ है, नीचे तक दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये सारे स्टील की रेलिंग वगैरह रेनोवेशन के टाइम पे लगी होगी? हाँ, ये भी रेनोवेट ही है अभी। है ये काफी सुंदर, काफी अच्छा। और ये 12 महीने मंदिर खुला रहता है कि? हाँ, मंदिर तो खुला ही रहता है। हाँ, नॉर्मली 12 महीने? हाँ, नॉर्मली 12 महीने। सिर्फ इसकी अंदर का जो मेन गर्भगृह होता है वो नहीं, वो तो सुबह प्रातः काल ही जो पूजा के समय होता है, ठीक है, वो तभी खुलता है, बाकी बाहर से लोग आ जा सकते हैं। अच्छा। और 12 महीने खुला रहता है, और संक्रांति के दिन पूरा दिन मंदिर खुला रहता है, जो गर्भगृह है उस दिन जो विशेष कार्यक्रम होता है संक्रांति के दिन, या फिर आगे कभी नवरात्रे हुए तो उस टाइम भी गर्भगृह खुला होता है। बाकी दिनों में जो तो आम लोग
बाहर से दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बर्फ वगैरह कब पड़ती है? पड़ती है यहाँ बर्फ? बर्फ तो बहुत गिरती है, बर्फ तो नवंबर से लेके फरवरी अच्छा मार्च तक भी गिरती है, और 2-3 फुट तक बर्फ। अच्छा, ये सारा मतलब ये भर जाता है? हाँ, ये तो काफी, हाँ ये भी भर जाता है, और महीना लास्ट तक या 1.5-2 महीने तक बर्फ रहती है। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो काफ़ी अच्छा, फिर तो बर्फ वगैरह की वहाँ पड़ती है तो सर्दी भी बहुत होती है। हाँ जी नहीं अच्छा है। तो ये जो ऊपर होता है ये तो सारा मतलब ऊपर कोई जैसे मंदिर का ये गुंबद बना ऊपर, और तो कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं, ये तो गुंबद ही है, इसमें तो फिर आना जाना नहीं होता। हाँ, ये है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ बाकी कुछ चीज़ें आप हमें बता सकें जो हमें पता ना हो या जिसके बारे में लोग जानते ना हो? नहीं, इसका ऐसा है कि जब माता का है ये, फिर दिन दिन का ही होता है, कहीं भी रात को नहीं रुकती माता, अगर कहीं जाना भी हो अच्छा तो रात को नहीं रुकेगी, सुबह जाएंगे। जैसे मेला भी हुआ तो मेले में भी दिन में जाएंगे और शाम को अपने महल मतलब में अपने मंदिर में ही वापस आएंगे, कहीं मतलब बाहर कहीं नहीं, नहीं जाएंगे यहाँ। ठीक है, ये है। बाकी ये करसोग में पड़ता है, तो करसोग के बारे में मैंने कोई स्टोरी सुनी थी। हाँ, एक वो कि यहाँ पे कोई राक्षस होता था, कुछ आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ, राक्षस, हाँ, महाभारत के टाइम की बात है कि बोलते कि भाई यहाँ पर जो एक बकासुर नाम का राक्षस होता था। अच्छा, वो बकासुर यहाँ होता था? हाँ, यहाँ नीचे जो आम आजकल उसको हम बोलते हैं कि भाई लड्डी। अच्छा, लड्डी देवता है वो, भाई उसने उसको मारा था बकासुर को। ठीक है, राक्षस ने, तो उस तरह से हर मतलब हर दिन भाई एक एक का भोजन करने के लिए मारता था, आदमी को मारता था। जी, जी, जी। तो तब से लेके भाई इस गांव में या नगरी में, चकरा जो नगरी थी, इस शोक पड़ा रहता था, तभी से बोलते कि भाई इसका नाम करसोग पड़ा हुआ है। अच्छा, करसोग मतलब शोक पड़ा रहता था, तब वही इसका नाम करसोग रखा गया है। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, ये कहानी सुनी थी पहले सिर्फ किताबों में, बट आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, तो आपका पूरा मंदिर दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो हम डालेंगे तो आप भी जरूर देखिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल देखेंगे, जरूर देखेंगे। हाँ जी, ये वीडियो हम शौक के लिए बनाते ताकि कोई भी किसी ने आना हो तो उनका आने का पता चले कि कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। जैसे करसोग में कोई आता है कि कहाँ वो ट्रैवल करे, तो कौन से मंदिर अच्छे हैं, कौन सी जगह अच्छी है, तो सब लोगों के लिए इससे फ़ायदा मिलता है उनको, और हमारे कल्चर को जानने का मौका मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ये थे पंडित जी हमारे साथ, तो आप जो है नेक्स्ट जो भी होगा आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको। ये प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है चिंडी, और यहाँ पे नोटिस में आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन्ड है साफ सफाई का, कृपया ध्यान रखें। यहाँ पे हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, तो साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा मंदिर लकड़ी की काश्तकारी हुई पड़ी है। अभी ये बंद है कोरोना के कारण, अदरवाइज हम आपको अंदर से भी जरूर दिखाते। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।